नमस्कार। आने वाले हफ्ते में एग्री कमोडिटीज में क्या रुख रहेगा इसकी चर्चा करते हैं। शुरुआत चने से ही करेंगे। चने में हमने देखा कि अक्टूबर फ्यूचर्स में 5200 के करीब का क्लोजिंग आने में कामयाब हुआ है और जो दायरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं 5050 से 5350 के बीच का दायरा हमने पिछले 2 या 3 हफ्तों में देखा है। और जिस प्रकार मैंने पहले ही बताया था कि 5200 के करीब ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो प्राइजेस हैं वो उसके इर्द गिर्द ही रहेंगी। और हमने सिमिलरली सेप्टेम्बर फ्यूचर्स में भी देखा 5100 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आते आते 5200 तक सेप्टेम्बर फ्यूचर्स भी जा सकता है। तो फिलहाल हालांकि नई पोजीशंस नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं वो मुझे लगता है कि 5200 के करीब ही एक्सपायरी हमें देखने मिलेगी। वहीं एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि एक सीमित दायरे में सोयाबीन ने कारोबार किया। अक्टूबर फ्यूचर्स जो है 6400 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। अपसाइड में 6700, डाउनसाइड में 6200 का एक दायरा भी हमने देखा और दोनों जगह से हमने काफ़ी शार्प मूवमेंट्स आते हुए देखी है। आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि इसी दायरे में कारोबार होने की उम्मीद है। हालांकि यहां से करंट लेवल से ऐसा लगता है कि डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड है। 6200-6100 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहां से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखता। और अपसाइड में 6700-6800 एक रेजिस्टेंस भी है। तो ब्रॉडली 6200-6700 के बीच जो दायरा बना हुआ है ये कुछ और समय ट्रेड करेगा। हालांकि आने वाले दिनों में अगर कोई डिप दिखे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जा सकता है अक्टूबर फ्यूचर्स में, लेकिन 6700 के करीब अगर मिले तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं हमने सरसों में देखा कि सरसों में 9000 के करीब हमने लेवल्स आते हुए देखे अक्टूबर फ्यूचर्स में, और उसके बाद 8800 के करीब की क्लोजिंग भी देखने मिली है। आने वाले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में ऐसा लगता है कि हालांकि इन बिटवीन प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन हमें देखने मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल जब तक 8500 से 8400 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर पा रही हैं तब तक डिप पे बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 9100 से 9200 तक के न्यू हाईज हमें देखने मिल सकते हैं, इसलिए सरसों में मैं बाय ऑन डिप की ही रिकमेंडेशन दूंगा। वहीं अगर मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूँ तो हमने जो सेप्टेम्बर फ्यूचर्स है उसे 1400 के ऊपर भी जाते हुए देखा। वहीं अक्टूबर फ्यूचर्स 1395 के हाई लगाकर 1340 के करीब क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर हमें देखने मिलेगा, क्योंकि इसके पहले जो तेज़ी दिखी थी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती हुई दिख रही है, और 1365 के नीचे की क्लोजिंग हमने हफ्ते में आते हुए देखी है। तो आने वाले कुछ सेशंस में 1360 से 1365 का ही एक रेजिस्टेंस होगा अक्टूबर फ्यूचर्स के लिए, और ये जो बिकवाली है या ये जो करेक्शन है ये हो सकता है 1320 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखे, इसलिए उछाल पर बिकवाली की जा सकती है। वहीं CPO में भी हमने हालांकि शुरुआती दिनों में तेज़ी आते हुए देखी, लेकिन 1165 के ऊपर प्राइसेस नहीं जा पाई अक्टूबर वायदा में, और उसके बाद हमने देखा कि 1125 के करीब की क्लोजिंग दी है। हालांकि जो सपोर्ट है वो काफ़ी नज़दीक है, 1110 के करीब सपोर्ट है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते के शुरुआती दिनों में एक सलोन रैलीज का ही रुझान रहेगा, यानी उछाल पर बिकवाली की जा सकेगी जब तक 1145 से 1150 के नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रही हैं, और डाउनसाइड में 1110 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं। वहीं बनारस खाल या कॉटन सीड ऑयल की बात करूं तो सितंबर फ्यूचर्स में हमने 2400 तक के स्तर पे क्लोजिंग आते हुए देखी है। वहीं अक्टूबर फ्यूचर्स में 2520 के करीब की क्लोजिंग आई है। तो जिस प्रकार मैंने पहले बताया था कि 2700 का एक पोजिशनल सपोर्ट था और 3200 के लेवल छूने के बाद में जिस प्रकार मार्केट पलटा है, ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर जारी रहेगा, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीनों से तेज़ी का ही दौर चल रहा था, और ऐसा लगता है कि अगले कुछ हफ्ते एटलीस्ट मुनाफा वसूली आती रहेगी, जहां पर अक्टूबर फ्यूचर्स भी 2400 और उसके बाद लगभग 2250 के स्तर छू सकता है, इसलिए उछाल पर बिकवाली की जा सकती है। इमीडिएट तौर पर 2700 का रेजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट रहेगा। अभी रुक करते हैं ग्वार कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो वहाँ हमने देखा कि जो अपर सर्किट्स के साथ में पिछला हफ्ता क्लोज हुआ है, और ग्वार गम ग्वार सीड दोनों में ही अपर सर्किट देखे गए थे। ग्वार गम अक्टूबर वायदा जो है वो 10800 के आसपास, और ग्वार सीड 6600 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। और ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि भले ही हमने 10 सेशंस या 12 सेशंस की प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी ऊपरी स्तरों से, लेकिन मैंने ये कहा था कि इसके हाईज अब तक बने नहीं है और इसका जो पोजिशनल रुख है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, और मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हो चुकी है नए फ्रेश हाईज रिसेंट हाईज बनाने के लिए। तो हम बहुत ही जल्द देख पाएंगे कि 11600 के ऊपर ग्वार गम जा सकता है, लगभग 12100 से 12200 तक, और ग्वार सीड उसी प्रकार
मेरे हिसाब से 7,000 से 7,050 के लक्ष्य को छू सकता है। तो नए अपडेट अगर लिया जाए तो 7,050 ग्वार सीड में और 12,200 का जो लक्ष्य है वो ग्वार गम में लिया जा सकता है। वही कैस्टर में हमने देखा कि 6,400 के करीब क्लोजिंग दी है। वंस अगेन यहाँ पर भी 5,800 से अच्छी रिकवरी हमने पिछले दो हफ्तों में देखी है। 6,200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था, उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो लगभग 6,600-6,700 तक हम जा सकते हैं। तो मुझे वही लगता है कि क्योंकि क्लोजिंग बढ़िया रही है तो ये जो तेज़ी है ये आगे भी एक्सटेंड होगी और 6,700 तक के लेवल हमें आने वाले दो हफ्तों में देखने मिल सकते हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि हल्दी और धनिया दोनों ने ही करीबन 8,100-8,200 के रिस्पेक्टिव क्लोजेस दिए हैं। हल्दी में जैसे मैंने पहले बताया 7,600 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके ऊपर जब तक है तब तक तेज़ी बनी रहेगी। हालांकि इमीडिएट अपसाइड थोड़ा लिमिटेड लगता है 8,350 के करीब। वहीं धनिया में अच्छी खासी तेज़ी है, जब तक 7,800 से 7,700 के ऊपर होल्ड कर पा रही है प्राइजेस। हमने काफ़ी रिसेंटली जो सेप्टेम्बर फीचर्स है उसके करीब जाते हुए देखा और अभी जो अक्टूबर वायदा भी है वो 8,200 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि सिमिलर सपोर्ट आगे भी हमें देखने मिलेंगे और लगभग 8,600 तक के लक्ष्य हमें आने वाले कुछ सेशंस में जो धनिया है उसमें देखने मिल सकते हैं। तो दोनों ही हल्दी और धनिया में हमें तेज़ी का रुझान देखने मिल सकता है। तो ये था एक जायज़ा कि स्पेसिफिकली एग्री कमोडिटीज़ में हमें आने वाले कुछ सेशंस में क्या रुख देखने मिलेगा। धन्यवाद।